एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सच एज एजुकेशन। फर्स्ट वन इज एजुकेशन। दीज डेज कंप्यूटर आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम आर डिजाइन टू प्रोवाइड द स्टूडेंट विद एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल लेक्चर्स। एजुकेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज यानी CAL प्रोग्रामिंग जो है वो डिज़ाइन हुई है प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव तरीके से ट्रेडिशनल लेक्चर्स पे। द वीडियो क्लिप्स ग्राफिक्स कैन बी फॉर्मेट। द इंटरैक्टिव नेचर ऑफ प्रोजेक्ट हेल्प स्टूडेंट इन देयर लर्निंग प्रोसेस। जो वीडियो क्लिप्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, चैट होती है, फॉर्मेट्स होते हैं, इंटरैक्टिव नेचर होता है प्रोजेक्ट्स का, हेल्प करता है स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस के लिए। मोर ओवर स्टूडेंट कैन मेक यूज ऑफ कंप्यूटर बाय डूइंग ई लर्निंग, ई रीडिंग, ई टेस्टिंग। इसके साथ साथ कंप्यूटर यूज हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के लिए और इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग के लिए भी। द सेकेंड वन इज साइंटिफिक रिसर्च। कंप्यूटर प्ले ए मेजर रोल इन साइंटिफिक कैलकुलेशन। साइंटिफिक कैलकुलेशन आपको पता है जो साइंटिफिकली होती है वो इजीली हो जाती है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर स्पीड, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी हेल्प्स इन फाइंडिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स। जो कंप्यूटर की स्पीड होती है, रिलायबिलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, सब हेल्प करती है एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए। थर्ड वन इज बिजनेस। बिजनेस हाउसेस और इंडस्ट्रीज आर इंडिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर फॉर देयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस वर्क एंड सॉर्टिंग। जो बिजनेस हाउसेज होते हैं और इंडस्ट्रीज होते हैं वो डिपेंड करते हैं कंप्यूटर्स पे उनके लार्ज वॉल्यूम की कैलकुलेशन के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क के साथ और सॉर्टिंग डेटा के साथ। नेक्स्ट वर्क इज इंजीनियरिंग। कंप्यूटर आर वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग फील्ड फॉर डिजाइनिंग। कंप्यूटर वाइडली यूज होते हैं इंजीनियरिंग कंप्यूटर वाइडली यूज होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में डिजाइनिंग के लिए। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी कैड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग हेल्प इन डिसाइडिंग ऑल एस्पेक्ट्स, डिजाइन, डिजाइनिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल एस्पेक्ट्स फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो इन इन चीज़ों में यानी कैड में, कैम में या CAE में, इन सारी फील्ड्स में, इंजीनियरिंग फील्ड्स में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑपरेटिंग द मशीन नोन एज कंप्यूटराइज मैनुअल कंट्रोल मशीन्स। दीज टाइप्स ऑफ मशीन्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर फॉर प्रोडक्शन बाय विच प्रोडक्ट क्वालिटी कैन बी प्रोडक्शन स्पीड आर टेकन केयर ऑफ। जो क्या होता है इसमें, कंप्यूटर के अंदर हम ऑपरेट कर सकते हैं मशीन्स को कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकली या फिर जिसमें मशीन वर्क होता है और उसके थ्रू प्रोडक्शन अच्छे से हो पाती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कंप्यूटर हैव मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू कम्युनिकेट विद एनी वन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंप्यूटर के थ्रू हम किसी से भी और कहीं पे भी किसी भी पार्ट में वर्ल्ड के कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल। आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो ईमेल के थ्रू विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। यू कैन इवन चैट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट एन इफेक्टिव बिजनेस मीटिंग। आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो और कंडक्ट भी कर सकते हो बिजनेस मीटिंग्स को। सेवेंथ इज हेल्थ केयर। कंप्यूटर्स आर यूज इन फील्ड लाइक मेडिसिन, सर्जरी, डायग्नोजिंग द डिजीज, मॉनिटरिंग द
condition, serious patient, even at the time of surgery, doctors may take सजेशन फ्रॉम एक्सपर्ट सिटिंग इन अदर कंट्रीज. देखो हेल्थ केयर में क्या होगा कि अगर आप एक डॉक्टर को सर्जरी में दिक्कत हो रही है या मेडिसिन में दिक्कत हो रही है, डायग्नोज नहीं हो पा रही डिजीज, तो वो दूसरे डॉक्टर से या एक्सपर्ट से सजेशन ले सकते हैं जो दूसरी कंट्री में है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट. कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज बाय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. दे आर यूज टू गिव स्पेशल इफेक्ट इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस टू रिकॉर्ड म्यूजिक. एनिमेशन मूवीज लाइक जुरेसिक पार्क एंड अदर्स आर यूजिंग कंप्यूटर्स. तो एंटरटेनमेंट में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसमें हम स्पेशल इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, डिजिटल इंटरफेरेंस के थ्रू रिकॉर्ड करने के लिए म्यूजिक या एनिमेशन मूवीज जैसे कि जुरैसिक पार्क हो गया या फिर दूसरी मूवीज हो गई. ठीक है. नेक्स्ट इज रेलवेज. रेलवेज और एयरपोर्ट्स में ही यूज होती है. जैसे रेलवेज और एयरपोर्ट्स में बेस्ट यूज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर इंक्वायरी, टिकटिंग एंड फॉर प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. जैसे इंक्वायरी के लिए या टिकट बुक करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हम कंप्यूटर का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज डिफेंस. नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो मेक यूज ऑफ कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोलिंग अनमैंड एयरक्राफ्ट, इंटरकनेक्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, टारगेटिंग द एनिमीज, टेकिंग वेदर रिपोर्ट्स, रडार सिस्टम, ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क डिफेंस. देखो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पे रडार सिस्टम्स आता है कि आपके रेंज में कोई रॉकेट या एरोप्लेन आ रहा है जो दूसरी कंट्री का है, जो बिलोंग नहीं करता, या मिसाइल है, एयरक्राफ्ट हैं. और जो अपनी कंट्री के एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी कंट्रोल कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं. तो इस तरीके से वो डिफेंस में भी यूज हो सकता है. पुलिस, एडवांस टेक्नोलॉजीज आर यूज बाय पुलिस टू रिकॉग्नाइज क्रिमिनल्स. एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं. अब एक कोई क्राइम हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि सब सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनके फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए. अगर कोई दोबारा से क्राइम हुआ और आपको फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखने पड़े तो वो सिस्टम से पता लग जाए कौन से क्रिमिनल के हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट्स, स्केचिंग फेसेस आर टेस्टेड थ्रू कंप्यूटर विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज द क्रिमिनल्स. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पुलिस की हेल्प करते हैं क्रिमिनल को रिकॉग्नाइज करने के लिए. नेक्स्ट इज पर्सनल यूज. दीज डेज कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज इन आर होम फॉर लर्निंग, सेंडिंग ईमेल्स, यूजिंग इंटरनेट फॉर प्लेइंग म्यूजिकल सीडीज, गेम्स, मूवीज एंड सो ऑन. तो पर्सनल यूज, हमारे पर्सनल यूज के लिए भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. ओके. तो ये कुछ एप्लीकेशन थी कंप्यूटर की. और अब आपका होमवर्क है ये दो क्वेश्चन. ठीक है.